हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। लाइफ काफ़ी गुलजार है और सब कुछ चीज़ें बेहतरीन चल रही हैं। तो ये वीडियो बेसिकली मैं बनाने जा रहा हूँ मेरे उन प्यारे भाइयों के लिए, उन प्यारी बहनों के लिए जिन्होंने अभी ट्वेल्थ जो लोग 12th स्टैंडर्ड पास हो चुके हैं और अब वो सोच रहे हैं कि उन्हें CS कोर्स करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, येस इट्स अ ग्रेट कोर्स, बेहतरीन कोर्स है, बहुत सस्ते में, बहुत कम खर्च में होता है। अगर आपको लॉ से प्यार है, इफ़ यू रियली लाइक लॉ, इफ़ यू रियली लाइक रीडिंग, आपको चीज़ों को इंटरप्रीट करना, चीज़ों को एनालाइज करना काफ़ी अच्छा लगता है, आई रिकमेंड यू दिस कोर्स। दिस कोर्स इज़ रियली ग्रेट, कम खर्चे में होगा। बट CS कोर्स करने के पहले ये जान लीजिए कि आप ये कोर्स तभी ज्वाइन कीजिए जब आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप चीज़ों को त्याग कर सकते हैं। सोना बाबू, ये सारे चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप अपने करियर पे फोकस्ड हैं, मेहनत कर सकते हैं। आप भले ही आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट कम हैं, आपके 12th में कम परसेंटेजेस हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर मेहनत करने की काबिलियत रखते हैं तो आपको ये कोर्स डेफिनेटली करना चाहिए। बहुत कम खर्चे में कोर्स जाता है और कंपनी में एक अलग ही रेप्यूटेशन कंपनी सेक्रेटरी की होती है। कंपनी सेक्रेटरी को की मैनेजीरियल पर्सनल जाना जाता है, ठीक है? सो आप कोई भी बड़ी कंपनी, मुकेश अंबानी ले लीजिए, ही विल टेक द हेल्प ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कोई भी बड़ा, गौतम अडानी ले लीजिए, ही विल टेक द हेल्प ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। इनफैक्ट जब कंपनी में कुछ झमेले होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी के पास जाया जाता है कि भाई हमको इस मुसीबत से बचाओ, इस कानूनी दंगल से, इस कानूनी प्रॉब्लम से हमें बचाइए। तो CS कंपनी सेक्रेटरी को कई जगहों पे कहा गया है कि कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो कंपनी का बैक बोन होता है, ठीक है? तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं 12th पास के बच्चे जो हैं या फिर जो भी बच्चा CS कोर्स करना चाहता है, मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से 3 आदतें, मैं सिर्फ 3 आदतें चाहूंगा कि जो बच्चा CS कोर्स ज्वाइन कर रहा है, CS कोर्स स्टार्ट करने की सोच रहा है, 3 चीजें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और प्लीज मेरी बात मानिए, अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको ये कोर्स छोड़ देना चाहिए बच्चों। यस, 3 ऐसी बातें जो आपको CS कोर्स करने के पहले समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज बच्चों, सबसे पहली चीज जो CS कोर्स करने के पहले यू शुड अंडरस्टैंड इज आपको अनुशासन प्रिय होना चाहिए। अगर मैं कहूं तो यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड, आपको काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए इफ यू रियली वांट टू डू दिस कोर्स। बच्चों, पहले कई ऐसे CS थे, कई कई बच्चे थे जो डिसिप्लिन नहीं थे, जिनके खाने उठने सोने का कोई समय नहीं था, बट स्टिल वो लोग क्लियर कर लेते थे। बट समय के साथ साथ अगर आप पिछले 5 साल 6 साल में अगर आप ICSI का नज़रिया देखें, ICSI की कार्यशैली देखें, पेपर सेट करने के तरीके देखें, तो ICSI ने काफ़ी ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड्स, अपने मानकों में बदलाव किया है। तो अभी जो उनके पेपर्स होते हैं, खासकर पहला लेवल तो आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं, बट दूसरा और तीसरा लेवल जो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का लेवल होता है, वो लेवल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता भाई, आपको उसके लिए आपको ज़िंदगी एकदम अनुशासन से जीनी होती है। जैसे कि अनुशासन आता है क्लास अटेंड करने के टाइम में, आपको क्लासेस कभी बंक नहीं करनी चाहिए। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं, आपको क्लासेस बंक बिल्कुल भी नहीं करनी। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। आपका रूटीन, अब आप मॉर्निंग में पढ़े, रात में पढ़े, क्लास के साथ में आपको रेगुलरली हर एक चीज़ रिवाइज करनी है, रोज़ रिवाइज करना है। आप क्लास करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब तक आप क्लास की चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। तीसरा डिसिप्लिन जो चाहिए आपको, राइटिंग प्रैक्टिस। जो आपको पता है CS जो है वो लॉ डोमिनेटेड कोर्स है, लॉ के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो लॉ के सब्जेक्ट्स कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमको समझ जाती है बट हम उनको लिख नहीं पाते, तो राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ द फर्स्ट हैबिट दैट यू नो यू शुड हैव, यू शुड आपके अंदर होनी चाहिए CS कोर्स स्टार्ट करने के पहले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके अंदर एक सेक्रीफाइस करने का एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों। यस, मैं तो ये बोलूंगा जो बच्चे UPSC करते टाइम जितनी मेहनत, जितना त्याग करते हैं, उतना ही आपको करना है सेक्रीफाइस। जैसे कोर्स करते टाइम CS एग्जीक्यूटिव और CS फाइनल, जब आप ये दो कोर्स करते हैं, तो आपके किसी रिश्तेदार की शादी हो सकती है, आपको बहुत प्यारी लड़की या बहुत प्यारा लड़का आपको पसंद आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। देन आपको फ्रेंडशिप वगैरह करने में बहुत मज़ा आएगी, आपको पार्टीज करने में मज़ा आती आ सकता है बच्चों। जितने भी कार्य, जितने भी लफड़े, दुनिया भर के लफड़े हैं, आपको ये सारी चीज़ें करने का शौक है,
बच्चों ये सारी चीज़ों से आप चीट करेंगे, ये सारी चीज़ों से आप पढ़ाई में ब्रेक लिया करेंगे। और ठीक है बच्चों, संडेज का ब्रेक मैं हमेशा बोलता हूँ आपको लेना चाहिए, बट उसके अलावा अगर आप ब्रेक लेते हैं तो कोर्स में सच में प्रॉब्लम आती है बच्चों। सो ये सारी चीज़ें। अच्छा, जब मैं अनुशासन की बात करूँ तो इसमें अच्छे से 8 से 10 घंटे की पढ़ाई भी है, ठीक है, सो डिसिप्लिन के साथ। दूसरी चीज़ है कि ये जब अपन एग्जीक्यूटिव या फाइनल कोई भी लेवल करते हैं बच्चों, तो ये शादी, लड़का लड़की, बाकी के जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों से आपको से त्याग करना पड़ेगा। दोस्ती यारी, भाई बंधु, पार्टी करना है, ये करना है, वो करना है बच्चों, नहीं प्लीज़। दुष्यंत सर कैसी बात करें आप, हमारी लाइफ तो एकदम बर्बाद हो जाएगी। सिगरेट, दारू, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है बच्चों, मान के चलिए, अगर आपको कोर्स को सही समय पे कंप्लीट करना है। और बिलीव कीजिए बच्चों, 3 साल, 2.5 से 3 साल में आप सीएस बन जाते हैं। सीएस बन जाते हैं मतलब सीएस का सीएस के सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर लेते हैं, अगर आप इन आदतों को फॉलो करते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस जरूर है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस जरूर है, बट आगे जो जिंदगी ना, वो जिंदगी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब बच्चों सुंदर का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे, स्ट्रगल तो जिंदगी भर, मुकेश अंबानी के भी स्ट्रगल आज की तारीख में खत्म नहीं हुए, दो ही इज वर्ल्ड्स इंडियाज रिचेस्ट मैन, तो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू स्ट्रगल, बट मेरा वादा है कि आप एक अच्छी जीवन शैली जी पाएंगे, अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे, आपके सेक्रीफाइसेस वेस्ट नहीं होंगे। और थर्ड चीज जो है बच्चों, थर्ड चीज जो है बच्चों, ये आपका जो मोबाइल फोन है वो आपको, इनफैक्ट जिस दिन से आप सीएस कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट लेवल, ठीक है, सेकंड और थर्ड लेवल पे जिस दिन आएंगे, उस दिन से आपको कसम खानी है कि जब मैं 10 आवर्स क्लासेस और पढ़ा सेल्फ स्टडी दोनों को मिला के 10 से 10 आवर्स भी मान लीजिए, 10 आवर्स जब मेरे हो जाएंगे, मैं तभी मोबाइल फोन को टच करूंगा, ठीक है। और बच्चों इसमें फिर एक टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सारे ऐप्स को, ये सारे जितने भी अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, ये सारी चीज़ों से हमको बहुत दूर रहना है। अगर आपको, ठीक है, आपके पास फ्रेंडशिप नहीं है, दोस्त नहीं है, और संडे को मैंने आपको कहा है कि आप ब्रेक ले सकते हैं, संडे को लगे तो आप देख सकते हैं, आपको जो करना है करिए, बट वीक डेज में बच्चों मोबाइल, आपको कसम खानी कि जब तक मेरे 10 आवर्स की पढ़ाई ना हो जाए तब तक मैं मोबाइल फ़ोन को टच नहीं करूँगा। तो ये छोटी सी मैंने आपको 3 क्वालिटीज़ बताई हैं बच्चों, और तीनों क्वालिटीज काफी सिंपल हैं। पहला, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन फ्रेंडली, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। दूसरा, यू शुड हैव द एबिलिटी ऑफ मेकिंग सेक्रीफाइसेस, यू यू शुड बी यू नो प्रिपेयर टू मेक सेक्रीफाइसेस बिकॉज वी आर इन यू नो जस्ट ऑफ अ बेटर फ्यूचर, तो हमको बेटर फ्यूचर चाहिए, तो सेक्रीफाइसेस आज की तारीख में हमें करने पड़ेंगे। और तीसरा जो है, तीसरा तो मैंने एक अलग ही पॉइंट रखा है, मोबाइल फोन यू हैव, मैं ये मोबाइल फोन यूज करने के मना नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ द ब्यूटिफुल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं मोबाइल फोन के जरिए मैं आप लोगों से संवाद कर पा रहा हूँ, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मोबाइल फोन डिसिप्लिन के साथ, कि जिस दिन मेरी 10 आवर्स की पढ़ाई हुई मैं उसी दिन मोबाइल फोन यूज रखूँगा। सो विद दीज 3 क्वालिटीज मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये 3 क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको सीएस करने से रोक सकती है, आप सीएस कर लेंगे, मेरा प्रॉमिस है बच्चों। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।